हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आपको इस तरह की बाजू डिज़ाइन बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर मैंने बाजू की कटिंग करके रखी है और इसकी लंबाई मैंने 11.5 इंच रखी है। मतलब हमारी जितनी बाजू की लंबाई उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है और यहाँ पर चौड़ाई आप अपने नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हो। और अब देखिए, मैंने यहाँ से ये 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। इस टाइप की बाजू डिज़ाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पर चौड़ाई में 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, उसके बाद हमें इसको बीच में से ऐसे कट कर लेना है। और अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बुकरम का टुकड़ा कट करना है, तो इसकी लंबाई तो हमें बाजू के बराबर रखनी है और यहाँ पर चौड़ाई हमें यहाँ पर लगभग 2 इंच रखनी है। तो देखिए हमें कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर मार्किंग करनी है। सो गाइज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यू डिज़ाइनर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे डिज़ाइनर बाजू की वीडियोज़ रोज़ लेके आता हूँ। सो गाइज, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे इसमें मार्किंग की है तो उसी तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बुकरम के ये 2 टुकड़े बराबर में लिए हैं। सो गाइज, अगर आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, पर्सनली मैं आपके क्वेश्चन को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से कटिंग किया है और इसके साइड से भी हमें यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसके हमें कटिंग कर लेनी है। सो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी कटिंग की है और अब हमें क्या करना है, इसको कपड़े पे अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके बराबर में लंबाई में कपड़ा लिया है, तो इस पर हमें पहले इसको अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद में इसके साइड से हमें यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद हमें इसको यहाँ पर फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर दोनों पार्ट्स को तैयार कर लेना है और यहाँ पर देखिए हमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करके हमें यहाँ पर दोनों पार्ट्स तैयार कर लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को इस तरह से तैयार किया है और अब हमें यहाँ पर इसको बाजू पे अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक साइड की बाजू ली है, तो इसको हमें इसके बराबर इस तरह से रखना है और रखने के बाद में हमें यहाँ पर बुकरम की जड़ में सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें यहाँ पर दूसरी साइड की बाजू में भी यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो बाजू वो दोनों एक साइड की नहीं बनेगी, मतलब एकदम सही बाजू बन जाएगी। तो इसलिए हमें दोनों बाजू को साथ में तैयार करना है। और अब देखिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर हमें हल्का सा मार्जिन छोड़ देना, उसके बाद में यहाँ पर हमें गोलाई में छोटे छोटे कट लगा देने हैं पूरे में। और उसके बाद में हमें यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ पर पहले एक किनारे की सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। देखिए मैंने यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा दी है और अब हमें यहाँ पर इसके साइड में भी एक सिलाई और लगा लेनी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिलाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर दोनों साइड की बाजू को तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसको तैयार किया है और अब हमें यहाँ पर इसको इस एक को दूसरे के ऊपर रखना है इस तरह से, और यहाँ पर हमें आगे वाले पार्ट्स को पीछे वाले पार्ट्स की तरफ इस तरह से रखना है ऊपर। तो यहाँ पर रखने के बाद में हमें पहले सिलाई लगा के दोनों को अटैच कर लेना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट्स को भी सिलाई लगा के अटैच कर लेना है बराबर में। और अब देखिए हमें यहाँ पर एक कपड़ा कट करना है, तो जिसकी मैंने यहाँ पर चौड़ाई लगभग 2 इंच रखी है, तो इसको हमें यहाँ पर रखना है और हमने यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो उसी को हमें यहाँ पर दबाते हुए सिलाई लगानी है।
और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके और इसको इससे फोल्ड करके यहाँ पर पहले हमें किनारे की सिलाई लगा लेनी है। सो गाइज, मैंने अपना एक सेकंड चैनल ओपन किया जिसमें मैं अपनी लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स बनाता हूँ, तो अगर आप देखना इंटरेस्ट रखते हो तो आप चैनल जाइए, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अब हमें यहाँ पर कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है, फोल्ड करके हमें यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेनी है। सो देखिए, इसी के साथ में हमारे यहाँ पर डिज़ाइन तैयार हो चुकी है और हम यहाँ पर किसी भी तरह का बटन लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह से 3-4 बटन लिए हैं और आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई सा भी बटन लगा सकते हो। सो गाइज, इसी के साथ में हमारी यहाँ पर बाजू की डिज़ाइन कम्प्लीट हो चली है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको डिज़ाइन कैसी लगी। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।